गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू मैथ सेशन. स्टूडेंट, ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 168. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज 11.2. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था. ओके, उसमें क्या देखा था हमने, हाउ टू कन्वर्ट आवर्स इन मिनट्स. ओके, आवर्स इन डेज. ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ सेकेंड्स इन टू मिनट्स एंड सेकेंड्स. ओके, सेकेंड्स को हम मिनट्स में कैसे कन्वर्जन करने हैं. मिनट का हमने सेकेंड में किया था, क्या था ना, वन मिनट में मीन्स वॉट 60 सेकेंड्स. तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 60 से वो नंबर्स को. ओके, मिनट्स को. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड्स का मिनट में करना है. मतलब छोटा यूनिट हमें बड़े यूनिट में कन्वर्जन करना है, तब हमें हमेशा डिवीजन करने होती है, ये हमें याद रखना है. ओके, तो सेकेंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट देखो, 320 सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट्स. ओके, तो आपको पता है 60 सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट. यस, वेरी गुड, 1 मिनट है ना. 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट. ओके, एम आई एन भी लिखा तो भी चलेगा, या एम आई एन यू टी एस पूरा स्पेलिंग भी लिखा तो भी चलेगा. तो हमें क्या निकालना है, 320 सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट. तो हम क्या करेंगे, 320 सेकेंड्स को 60 सेकेंड्स से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा मिनट्स में हो जाएगा. ठीक है, 320 सेकेंड्स को 60 सेकेंड से हम जब डिवाइड करेंगे, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड, इसलिए हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं ना. सो 320 सेकेंड का हमें मिनट में करना है ना. सो 320 डिवाइडेड बाय 60 जब हम करेंगे तो हमें मिनट्स में आंसर मिल जाएगा. तो ये डिवीजन आपको ऐसे साइड में कर लेना है, 320 डिवाइडेड बाय 60. ओके, सो 6 5 30, मतलब 65 क्या आएगा, 300. ओके, सो ये ऐसा आपका डिवीजन आएगा और 20 रिमाइंडर बचेगा. तो ये जो ऊपर आएगा आपका, ये क्या आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे. ओके, सो इसका कन्वर्जन होने के बाद आपको क्या मिल गया है, 320 सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट्स, 5 मिनट. और रिमाइंडर का क्या करना है, तो ये रिमाइंडर नीचे लिखना है 20. तो ये क्या बच गए, सेकेंड्स बच गए हैं ना. सो 5 मिनट 20 सेकेंड्स. ओके, है ना, सिंपल. क्या करना है, सेकेंड्स का मिनट में कन्वर्जन करना है ना. छोटे यूनिट का बड़े इसमें कन्वर्जन करना है, तो डिवीजन होगा यहाँ पे. 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट. तो आपको जितने सेकेंड्स दिए हैं उससे 60 को उसको 60 से डिवाइड करना है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर बी. अब बी वाला क्या है, देखो, सो 515 सेकेंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में. सो 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट. तो 515 सेकेंड मीन्स 515 डिवाइडेड बाय 60. तो इसको हमें 60 से डिवाइड करना है. तो 6 का टेबल थोड़ी देर के लिए अगर आप देखते हो तो आपको ये डिवीजन पता चल जाएगा. ओके, 6 8 48, 9 सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 68 सा अगर हम करते हैं तो ये आएगा 68 480. रिमाइंडर आपका बचेगा 35. ओके, सो ये डिवीजन आपका ऐसे आएगा, है ना. तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन मीन्स मिनट्स, और ये जो बचे हुए वो क्या बचेंगे, सेकेंड्स बचेंगे. ओके, सो आंसर क्या आएगा, 8 मिनट्स 35 सेकेंड्स. ओके, 515 सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट्स, 8 मिनट्स 35 सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सी वाला. वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट्स, वो हम निकालेंगे. सो 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, है ना. तो 125 सेकेंड्स मीन्स 125 डिवाइडेड बाय 60. सो 6 2 12, मतलब 60 2 120, रिमाइंडर बचेगा 5.
क्वेश्चन आ गया है टू, ये हो गया हमारा कन्वर्जन, 2 मिनट्स 5 सेकेंड्स। क्या आया कन्वर्जन? 2 मिनट्स और 5 सेकेंड्स, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 360 सेकेंड्स, डी वाला 360 सेकेंड्स का हमें कन्वर्जन करना है। इसका कन्वर्जन हमें मिनट्स में करना है, ओके। सो 60 सेकेंड मीन्स कितने मिनट्स? 1 मिनट, करेक्ट। तो 360 सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट? तो 360 को हमें क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है, ओके। 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 6 36, मतलब 66 ही 360 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो आंसर क्या है? ओनली 6 मिनट्स। आगे कुछ सेकेंड्स बचे क्या? रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए नहीं बचे हैं। मीन्स 6 मिनट्स कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है। 360 सेकेंड मीन्स कितने मिनट्स? 6 मिनट्स, ओके। सो ऐसे ये एग्जाम्पल से कन्वर्जन के क्या कन्वर्ट किया है हमने? सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट किया है, ओके। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट किया है। 4 मैंने सॉल्व करके दिए, बाकी के ई एफ जी एच आई जे के एल वो आपको सॉल्व करना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू आवर्स। ये मिनट्स को हमें अब आवर्स में कन्वर्ट करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मिनट्स को आवर्स में करना है, ओके। सो फर्स्ट क्या है? 162 मिनट्स। तो 162 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो आप मुझे बताओ, 60 मिनट मीन्स कितने आवर? 1 आवर, ओके। तो 162 मिनट्स मीन्स कितने आवर? 162 को हम क्या करेंगे, 60 से यहाँ पे डिवाइड करना है, ओके। सो 162 डिवाइडेड बाय 60, 6 2 12, 6 3 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, मतलब 62 120 आएगा। सो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 42। तो ये जो 2 आएगा वो क्या आएगा? कन्वर्जन क्या कर रहे हैं हम? आवर्स में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आवर्स, और ये जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचा है आपका? रिमेनिंग मिनट्स बचे हैं, 42 मिनट्स, ठीक है। जब आप मिनट्स का कन्वर्जन आवर्स में करोगे स्टूडेंट, तो आपको 60 से डिवाइड करना है उन मिनट्स को, ओके। जो क्वेश्चन होगा वो मिनट्स होगा, और जो रिमाइंडर होगा, जो क्वेश्चन होगा आवर्स होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो मिनट्स में आएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट, इसमें का बी वाला, 98 मिनट्स का हम कन्वर्जन करेंगे आवर्स में। सो 98 मिनट्स का कन्वर्जन करने के लिए 60 मिनट मीन कितने आवर्स? 1 आवर, ओके। सो 98 मिनट मीन्स कितने आवर? सो ये 98 मिनट्स को हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 98 डिवाइडेड बाय 60, 61 जा 60, 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। सो ये आ गया हमारा आंसर, 1 आवर 38 मिनट्स, ओके। देन नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, 222 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, ओके। सो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, सो 220 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? सो 222 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 मिनट से। तो ये आवर में इनका कन्वर्जन हो जाएगा, ओके। सिक्स थ्री ज़ा 18, 4 ज़ा ज़्यादा हो जाता है इससे, है ना, मतलब 180 आएगा। तो ये 2, और अगर आप ये करते हो डिवीजन, तो ये आएगा रिमाइंडर 42, ओके। मतलब आंसर आ रहा है यहाँ पे 3 आवर्स, जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल आवर्स आ जाएंगे आपके, और जो बचेंगे वो रिमेनिंग मिनट्स बचेंगे इसमें से, है ना। 3 आवर्स 42 मिनट्स, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट निकाल लो प्रॉपरली। क्या सॉल्व किया हमने? एक्सरसाइज 11.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी,
और क्वेश्चन नंबर थ्री का ए बी सी, ये डी भी क्वेश्चन नंबर टू सी है, क्वेश्चन नंबर थ्री का ए बी और सी, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या किया हमने, यहाँ पे सेकेंड्स को कन्वर्ट किया, सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट किया, मिनट्स में, है ना। तो क्या किया, ये सेकेंड्स को टोटल एग्जांपल्स में जितने सेकेंड्स हमें दिए हैं उनको हमने क्या किया 60 से डिवाइड कर दिया सबको, है ना। और यहाँ पे भी हमने क्या कन्वर्जन किया, मिनट्स का आवर्स में किया। तो ये मिनट्स को भी हमने क्या किया, जितने मिनट्स हमें दिए हैं उतने मिनट्स को हमने 60 से डिवाइड कर दिया। जो क्वेश्चन आ रहा है वो मिनट्स में आ रहा है, जो बचा हुआ है वो आवर्स में आ रहा है, जो बचा हुआ है मिनट्स से, ओके। सो ऐसे आपको ये प्रॉपरली सब एग्जाम्पल्स आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं। साथ में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज 888 मिनट्स इन आवर्स एंड मिनट्स। 888 मिनट्स का हमें कन्वर्जन करना है आवर्स और मिनट्स में, लास्ट की तरह, मतलब 888 को आपको डिवाइड करना है 60 से, ओके। 888 मिनट्स को आपको 60 से डिवाइड करना है। मीन्स क्यों, क्यों 60 से करना है, क्योंकि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, इसलिए, ओके, आवर्स में करना है, है ना। तो ये 888 को अगर आप 60 से डिवाइड करते हो तो आपको कितने आवर्स मिलेंगे, ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मैं आपको करके दिखाती हूँ। व्हाट इज 585 आवर्स इन डेज एंड आवर्स। यहाँ पे डेज और आवर्स में करना है, मतलब 24 आवर्स मीन्स वन डे, है ना। सो 500, देखो, सो जो मैंने फोर नंबर का वर्ड प्रॉब्लम बताया आपको 888 मिनट्स का, तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, तो 888 मिनट्स मीन्स 888 डिवाइडेड बाय 60 जो आंसर आएगा वो इसमें आएगा, ये आपको सॉल्व करना है, ओके। और फाइव नंबर का देखो, व्हाट इज 585 आवर्स इन डेज एंड आवर्स। तो इसका हमें ये आवर्स का डेज में कन्वर्जन करना है, तो 24 आवर्स मीन्स वन डे, तो 585 आवर्स मीन्स 585 डिवाइडेड बाय 24 हम यहाँ पे करेंगे। सो ये डिवीजन अगर हम करते हैं ये आएगा 24 और रिमाइंडर बचेगा 9, ओके। सो हम कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, इनका डेज और आवर्स में, तो ये जो आएंगे आपके डेज आएंगे और ये बचे हुए आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आंसर आएगा 585 आवर्स मीन्स 24 डेज एंड 9 आवर्स, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखो, अ कार टेक्स 654 सेकेंड्स टू गो अराउंड अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए कार 654 सेकेंड्स लेती है। कन्वर्ट द टाइम टेकन बाय द कार इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये हमें, ये जो सेकेंड है वो हमें मिनट्स में कन्वर्ट करने हैं, है ना। तो 60 सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट्स, 1 मिनट, ओके। तो 645 सेकेंड्स मीन्स कितने मिनट्स, ये हमें निकालना है। तो 644 को, सॉरी 5 बोल दिया था मैंने, 644 को हम 60 से डिवाइड करेंगे। सो 644 को फिफ्टी फोर को आपको 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपके आंसर में जो आएगा, ये सेकेंड्स को हम क्या कर रहे हैं, मिनट्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा उतने मिनट्स होंगे और जो रिमाइंडर आएगा उतना क्या होंगे, बचे हुए सेकेंड्स होंगे, ठीक है। सो आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड और ये जो थ्री वर्ड प्रॉब्लम्स है ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।